हेलो दोस्तों, आप सब के बीच फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप एक दुकानदार हैं, सीएससी संचालक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, जितने भी सारे पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितने भी सारे पेंशनधारी हैं, उनको साल में एक बार केवाईसी कराने की जरूरत होती है, जिसे जीवन प्रमाणीकरण के नाम से आप जानते हैं। आपके अपने एरिए, अपने गाँव, पंचायत, अगल बगल के गाँव के आप सारी जानकारी, उनकी लिस्ट, आप एक सूची निकाल सकते हैं। अभी तक जिन जिन व्यक्ति की केवाईसी जीवन प्रमाणीकरण यानी बाकी है, उसका सारी लिस्ट आप निकाल सकते हैं। साल में एक बार केवाईसी कराने की जरूरत होती है, सरकार को ये रिपोर्ट देनी होती है कि आप जिंदा हैं अभी तक। उसे आप फिंगर की मदद से या आईरिस की मदद से उनका आप केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखने को मिल जाएगी। आप अपने गाँव के, पंचायत के, अगल बगल के गाँव में जितने भी लोग, जितने भी व्यक्ति की अभी तक केवाईसी नहीं हुई है, उसकी सारी लिस्ट आपको निकाल के देने वाले हैं। अभी तक जिनका भी आप बाकी है, आप उसे बुला के आप अपने दुकान से उनका केवाईसी करके आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहां से आपको किसी भी क्रोम ब्राउजर में आना है, और यहां से टाइप करना है आपको ई लाभार्थी। जो पेंशन से रिलेटेड जो भी काम होती है, ई लाभार्थी पोर्टल से ही होती है। सबसे फर्स्ट में ही आज आपको देखने को मिल जाती है लिंक। ई लाभार्थी पोर्टल पे आ जानी है सिंपली, और यहाँ से आपको थ्री लिंक देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे न्यू ब्लिंक हो रही है, फर्स्ट वाली ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाना है एंट्री रिपोर्ट। यहाँ से जैसे कि सेक्शन देख रहे हैं, ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ से अपना कर्सर जैसे ही ले जाएंगे एंट्री रिपोर्ट पे, जैसे रखेंगे यहाँ से थर्ड नंबर ऑप्शन में देखने को मिल जाती है पेंडिंग जीवन प्रमाण लिस्ट। यहाँ से आपको जस्ट क्लिक करना है, और यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ से स्कीम आपको दिखाई जा रही है कि आप किस स्कीम का, आप बारी बारी से भी निकाल सकते हैं या ऑल टोटली एक बार भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कि हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको सेलेक्ट करना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का निकालना चाहते हैं आप, या आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का, अपने एरिया के, अपने क्षेत्र का आप निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने जब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से आपको अपना एक ब्लॉक सेलेक्ट करना है, किस ब्लॉक का आप निकालना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ से एक ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है। फिर से यहाँ से आपको पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। पंचायत जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी डाटा होगा वो सारी डिटेल दिखाने लगी। जैसे कि हम यहाँ से एक पंचायत को भी सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं जितने भी सारे बेनिफिशरी हैं जिनका अभी तक केवाईसी जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, वैसे ही व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में होंगे जो अभी तक केवाईसी से, जीवन प्रमाणीकरण से वंचित हो गए हैं। इनका जल्द से जल्द आप अपना लिस्ट निकाल के अपने पंचायत का, और इन्हें बुला सकते हैं आप अपने दुकान पर, और इनका केवाईसी करके अच्छी खासी पैसा कमा सकते हैं। केवाईसी अगर इनका नहीं होती है तो ये इनका पेंशन जो है बंद हो जाएगी, इसलिए इनका जल्द से जल्द आप अपने एरिया के, अपने गांव, पंचायत के लिस्ट निकाल के आप उनका केवाईसी जल्द से जल्द कर लीजिए। जैसे कि यहां से हम एक बेनिफिशियरी को कॉपी करके और इनका डिटेल चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि हम एक बेनिफिशियरी आईडी को कॉपी कर लिए, और एक नया टैब आपको ओपन कर लेना है, और यहां से आपको आ जाना है फर्स्ट लिंक पे, और यहां से आपको सेकेंड लिंक पे आपको क्लिक करना है, फॉर सीएससी लॉगिन कर लेनी है आपको, और यहाँ से फर्स्ट बायोमेट्रिक फॉर ई लाभार्थी पेंशन बेनिफिशियरी नंबर पे ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको पेस्ट करके सर्च करना है। जैसे कि देख सकते हैं, ये सर्च हमने किया तो इनकी बारे में इनकी सारी डिटेल यहाँ से खुल के आ गई है, और यहाँ से आपको एक मोबाइल नंबर देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल नंबर की मदद से आप सभी, जितने भी सारे उस व्यक्ति हैं उसमें, उनका सभी का बेनिफिशियरी आईडी कॉपी करके आप यहाँ पे सर्च मारेंगे, और इसमें अगर मोबाइल नंबर जो भी जिनके पास है, किसी किसी में मोबाइल नंबर नहीं भी होती है, जिनका मोबाइल नंबर है आप उसे आसानी से कॉल करके और आप अपने दुकान पे बुला सकते हैं, उनका केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।